वीर चक्र, विंग कमांडर अब ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन उड़ान पायलट। विंग कमांडर अभिनंदन 27 फरवरी 2019 को वायुसेना स्टेशन श्रीनगर में ऑपरेशनल रेडिनेस प्लेटफॉर्म पर तैनात थे। सुबह 9:55 पर उन्नत हथियारों से लैस पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू वायुयानों को, जिनमें चौथी पीढ़ी के उन्नत F-16 तथा JF-17 शामिल थे, नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ते हुए देखा गया। लगभग 10 बजे आपको तुरंत शत्रु के वायुयानों को रोकने के लिए संदेश दिया गया। आप व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए पूरी निर्भीकता के साथ आगे बढ़े। असाधारण हवाई सूझबूझ और शत्रु की रणनीति की जानकारी होने का प्रदर्शन करते हुए आपने अपने वायुयान वाहित एयर इंटरसेप्ट रडार से निम्न ऊंचाई के वायु क्षेत्र का निरीक्षण किया और पाया कि दुश्मन का वायुयान भारतीय लड़ाकू इंटरसेप्टर वायुयान पर घात लगाकर हमला करने के लिए निम्न ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है। आपने खतरे के प्रति अन्य पायलटों को सचेत किया। भारतीय सेना के ठिकाने पर अस्त्र गिरा रहे पाकिस्तानी वायुसेना के खिलाफ जवाबी रणनीति बनाई। इससे शत्रु के वायुयान पूरी तरह से तितर बितर हो गए और वापस मुड़ गए। आपने शत्रु के लड़ाकू बम वर्षक वायुयानों का पीछा किया और मिसाइल से एक F-16 वायुयान को मार गिराया। तथापि इस घनघोर युद्ध में शत्रु की एक BVR मिसाइल आपके वायुयान से टकरा गई और आपको शत्रु की सीमा में उतरने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक युद्धबंदी के रूप में कैद होने के बावजूद आप पूरे संयम, बहादुरी और गरिमापूर्ण तरीके से शत्रुओं से पेश आए। जब तक आपको 1 मार्च 2019 को वापस सौंपा गया, तब तक आपने असाधारण दृढ़ता बनाई रखी। इस कार्य से सभी सशस्त्र बलों का और खास तौर पर भारतीय वायुसेना का मनोबल बढ़ा। इस प्रकार विंग कमांडर वर्तमान अभिनंदन ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण तथा शत्रु के सामने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन।